Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग एक न्यू हॉरर गेम खेलने जा रहे हैं, जिस गेम का नाम है पॉपी प्ले टाइम। मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई ये गेम कितना हॉरर होने वाला है, बस मुझे इतना पता है भूत है या फिर कोई कुछ भी कह सकते हो, जो भी स्कैरी चीज है वो एक डॉल है। Alright everybody, welcome to पॉपी प्ले टाइम। बैकग्राउंड में इतना प्यारा पियानो बज रहा है ना, मन तो कर रहा है कि बैठ के बस कुछ देर तक इसे ही सुनते रहूं। स्टार्ट करते हैं, बातें बाद में करेंगे। हो वेट, ये पियानो इतनी अचानक से नहीं बंद होना चाहिए था, इतनी अच्छी फील आ रही थी। चैप्टर वन, अ टाइट स्क्वीज। ओके, तो जैसा कि इसमें मैं बताया कि हम लोग एक एक्स एम्प्लॉय हैं प्ले टाइम कंपनी के, मतलब कि कोई एक टॉय बनाने वाली कंपनी है, हम लोग उसके एक्स एम्प्लॉय, मतलब कि पहले उस कंपनी में काम करते थे, बट हमें पता चला है कि वहां पर जो जो लोग काम करते थे वो सारे गायब हो चुके हैं। खैर, हमें क्या चुल मची है वहां जाने की, बट ठीक है, तभी मजा आने वाला है। मतलब कहानी तो मुझे समझ आ गई है, बट एम्प्लॉयज मतलब सारे के सारे कैसे गायब हुए उस फैक्ट्री से, वो मुझे देखना जरूरी है। बाकी गेम स्टार्ट हो चुका है, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। तो ईयरफोन हेडफोन लगा लेना, या फिर टीवी पे देख रहे हो तो वॉल्यूम फुल, घर वाले ना भगा दे भाई, नॉर्मल पे देखो। फाइंड द फ्लावर। ओके, तो मुझे ये पॉपी फ्लावर ढूंढना है, ठीक है मैं समझ गया हूँ। अभी कहाँ मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं। ओके एवरीबॉडी, तो ये मैं आ चुका हूँ प्ले टाइम कॉरपोरेशन की फैक्ट्री में, और ये जो जगह है ना सच्ची में काफ़ी ज़्यादा हॉरर लग रही है। इतनी ज़्यादा बड़ी जगह पे मुझे एक भी बंदा नजर नहीं आ रहा है। वैसे लेफ्ट साइड में एक सिक्योरिटी रूम है और राइट साइड में एक बड़ी सी गिफ्ट शॉप का रूम गया हुआ है, और मेरे हिसाब से जो प्ले टाइम कॉरपोरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ पॉपी डोल नहीं बनाती थी, ये काफ़ी सारे अलग अलग टॉयज बनाती थी बच्चों के लिए और उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाती थी। फिलहाल सामने एक टेबल लगा हुआ है, इस टेबल पे एक कंप्यूटर है, पेन के लिए एक बॉक्स रखा हुआ है, इधर एक ग्रीन कलर की टेप रखी हुई है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उस पर क्या लिखा है। वैसे आप लोग सोच रहे होगी कि आखिर मैं हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा फोकस करके घूर घूर के क्यों देख रहा हूँ, तो भाई देखो ये एक हॉरर गेम है और हॉरर गेम में हर एक छोटी सी छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे ऊपर ये हैंड बना हुआ है, पर मुझे कुछ नहीं पता ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्या ये गेट खुलेगा? नहीं, ये वाला गेट नहीं खुलेगा। तो हाँ, इस फैक्ट्री से हर एक एम्प्लॉय गायब हुआ है जो यहाँ पर काम करता था, तो मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पर अगर कुछ एक्सप्लोर करने आया हूँ, पता करने आया हूँ रीज़न क्यों गायब हुए बंदे, तो मैं भी गायब हो जाऊँ, तो इसलिए मुझे हर एक चीज़ ध्यान में रख के चलनी होगी। फिलहाल यहाँ पर एक डॉल पड़ी हुई है, जो डॉल या तो गंदी है या फिर इस पे किसी ने विमल पान मसाला थूका है या इस पे ब्लड लगा हुआ है, वैसे ब्लड ही है। ठीक है, मुझे ये वाला गेट खोलना है, अंदर जा सकता हूँ मैं? ये गेट लॉक है, स्टाफ ओनली, मैं स्टाफ तो नहीं हूँ, शायद से यहाँ पर कोई वेट, अभी मैं समझा, मुझे शायद से यहाँ पर कोई पैटर्न बनाना है जिससे ये ओपन हो जाएगा। मैं तुक्के भेड़ूंगा तो ये ओपन नहीं होने वाला, और पैटर्न हो सकता है इनमें से कुछ हो, जैसे कि यहाँ पर देखो तीन कलर है, येलो ब्लू रेड, और मुझे इस पूरी की पूरी जगह में इन तीन कलर्स के अलावा कोई भी कलर नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या येलो ब्लू रेड है? मैं ट्राई करता हूँ येलो ब्लू एंड रेड प्लीज़। शायद से चार कलर्स का कोड है, नहीं फिर तो ये नहीं होगा, क्योंकि वाइट कलर भी है यहाँ, बट वाइट का तो कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ना कोई पैटर्न तो है जो कि मुझे यहाँ ढूंढना होगा, इधर तो कुछ भी खैर खास नज़र नहीं आ रहा है। ओह वेट, इधर देखो कुछ ग्रीन कलर का टेप है और एक टेप यहाँ भी रखा हुआ है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, इसको लेके यहाँ लगाऊं? ओ ये इसके अंदर चला गया, टीवी चलेगा इससे? ओ वाओ, हेलो हेलो लेट, ये कुछ खास नहीं लग रहा। भाई ये तो मुझे इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है कि तुम ट्रेसपासिंग कर रहे हो, मैं नहीं जाने वाला यहाँ से बाहर, चुप रहे, ये बस टेप इन्होंने, मैं इसको बंद नहीं कर सकता, चुप हो जाओ, मैं नहीं जाने वाला यहाँ से बाहर। ये मुझे इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल ही वाला डोर ओपन करते हैं, मैं अंदर आ चुका हूँ। और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? वैसे लग रहा है जैसे कोई पानी बह रहा हो। ऊपर एक ऊपर एक ट्रेन चल रही है, खैर उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर भी कोई, उस ट्रेन में चार कलर है ना, वेट रुक जाओ, ग्रीन पिंक येलो रेड, क्या यही तो उसका कोड नहीं है? ग्रीन पिंक येलो रेड, और कोई पैटर्न तो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ट्रेन के कलर का कोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ट्राई कर लेते हैं ग्रीन पिंक येलो रेड, हुआ तो ठीक है आगे बढ़ जाएंगे, वरना मुझे कोई ना कोई पैटर्न तो यहाँ पर ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है ना, हो सकता है इनसे हो, ग्रीन, मैं ट्राई करता हूँ ग्रीन पिंक एंड येलो रेड। खुला गया डेर,
नहीं, ग्रीन, पिंक, येलो, रेड, प्लीज। ओह वाओ, वही था, और मैंने गेट ओपन कर डाला है भाई। मैं खाली पीली अपने आप को ही गलत बता रहा था, वापस जाने वाला था, बट बाद में पता चला कि मैं ग्रीन नहीं मजेंटा कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ब्लू कलर का डिस्क हो रहा है जिसे मैंने उठा लिया है, और ये डिस्क शायद से यहाँ पर लग जाएगा। इधर भी अंदर कोई टॉय पड़ा हुआ है, और ये क्या है, प्ले टाइम, एक और एड चल गई, देखते हैं। ग्रैब पैक, ये कोई टॉय है, इस टॉय का क्या यूज है? टाइटन द स्ट्रैप्स, इसे मुझे अपनी बॉडी पे लगाना है, जेट पैक टाइप। और उसके बाद क्या होगा, होल्ड बोथ कैनन्स, वाओ, मेरे को दोनों कैनन्स को पकड़ना है। पुल ट्रिगर टू फायर, पुल अगेन टू रिट्रैक्ट। ओ भाई, ये तो कोई मस्त चीज है जिससे हम लोग दूर का सामान उठा सकते हैं। मतलब ये टॉय इस कंपनी ने बनाया जो कि इसके अंदर पड़ा हुआ है, अगर मुझे ये मिल जाए तो हमारे लिए बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। हम लोग किसी भी बंदे को पकड़ के मार सकते हैं। अभी उसमें मार के दिखाया ना, ये टॉय है या वेपन है? मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर ले सकता हूँ कैसे, मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। कोई कंप्यूटर वगैरह में बटन तो नहीं दबाना यार, इसे ओपन तो करो, कोई की वगैरह नहीं, मेरे को नहीं लगता। क्या पता ये अपने आप ही ओपन हो जाए, वेट, ये अपने आप ओपन हो गया, ठीक है, मुझे बस इनकी एड पूरी देखनी थी। लेट्स गो, ये मुझे दे दो, मेरे पास अभी ये चीज़ आ चुकी है, एंड मुझे इसके थ्रू, ओ नाइस, ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। मुझे याद आया ये कहाँ यूज़ होने वाला है गाइज, वो जो हमने लेफ्ट साइड में एक ऊपर वो देखा था ना, जहाँ पे हैंड लगाना था, शायद से मुझे वहीं पर लगाना होगा। हो जाइए प्लीज, ये मैंने दबा के रहा, लोडिंग होने लग गई है, यानी ये वाला जो गेट है ये खुल जाएगा। वो क्या है सामने, ये तो वही है ना वो जो वहाँ बाहर खड़ा हुआ था। मैं इस गिफ्ट शॉप की मेन, इस टॉय शॉप की मेन जगह पे आ चुका हूँ, जहाँ पर काफ़ी सारे टॉय पड़े हुए हैं, और उधर भी मुझे हैंड लगाना है। इधर अपना हैंड लग... ये क्या था भाई, कुछ तो मैंने गलत कर दिया, ये गेट खुला है क्या, खुल जाए यार, मैंने कुछ तो गलत कर दिया। इधर इलेक्ट्रिसिटी आई, ग्लास टूट चुका है। अबे यार तू क्या चीज़ है, रुक जाओ भाई, ये बड़ा डेंजरस लगता है, मुंह पे थप्पड़ मार उठती रही ऐसे, कैसे गाल पे थप्पड़, ओए गाल पे थप्पड़ नहीं मार, चाबी है शायद से कोई दिया। ओ मेरे पास एक की आ चुका है, वो की, ओ यहाँ पर भी रास्ता है इधर, लेकिन एक रेड हैंड चाहिए, एक ब्लू हैंड चाहिए। हाँ उस फोटो में दो हैंड थे, बट मेरे पास अभी सिर्फ एक यही हैंड है। पता नहीं मुझे कहाँ जाना होगा, ये है इनोवेशन टेस्टिंग एरिया है, ये है पावर, पावर यहाँ की कट हो चुका है, क्या की इधर लग, ओ तेरी, शायद से वो जो मेरे को की मिली थी वो यहीं लगने वाली थी। तो अभी फिर फटाफट से इस वाले रूम के अंदर भी चलते हैं। इधर सिर्फ स्टाफ ओनली लिखा है, बट ये वाला जो गेट है वो ओपन हो चुका है। इस जगह पे सच्ची में काफी ज्यादा अंधेरा है, यहाँ पर एक दो वायर गिरी हुई है, सामने रेड कलर की कुछ लाइट जल रही है, और इधर भी कुछ है, ये क्या चीज़ है, मैं इसे ओपन कर सकता हूँ? मेरा हाथ भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है इसे ओपन करने के लिए। राइट साइड में कुछ कुछ तो गिरा हुआ है, एक बारी ना पहले मुझे पीछे चलकर देखना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पर क्या बना हुआ है। इधर एक गड्ढा था भाई, मेरे को देख के लगा कि कहीं मैं उसके अंदर ना चले जाऊँ। हाँ यहाँ पर कुछ तो है, मैं इसे ओपन नहीं कर सकता, हाई वोल्टेज का करंट है इसमें, और सही है कि इसकी वजह से मुझे करंट नहीं लगेगा, वरना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। बाकी ये क्या चीज़ है, हैंडल पकड़ लिया है और मैंने इसे तोड़ के भी खोल दिया है। क्या मुझे हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से लेकर जानी है, कुछ ऐसा ही होगा। बाकी एक बार आप लोग इधर देखो भाई, इधर सच्ची में बहुत ज़्यादा ब्लड है, पक्का वो जो डॉल है ना पॉपी, वही सबको मार रही है। बाकी जो हाई वोल्टेज वाला करंट है, क्या मुझे उसको इधर से लाके कनेक्ट तो नहीं करना? ओ भाई वेट, ये हटा भी नहीं पा रहा मैं, इससे कनेक्ट भी नहीं हो रहा। टच विद वायर टू पावर, ओके तो मान लो मैंने ये उठाया यहाँ से वायर को, ओ वेट, ओ इसके साथ कनेक्ट करते हुए मुझे ले जाना है, लेट्स गो। अभी पूरे के पूरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, सारी की सारी ट्यूब लाइट्स जल गई है। मैं खाली पीली पहले कंफ्यूज हो रहा था, बट इन लाइट्स को जला के मेरा क्या फ़ायदा है। खैर मुझे ना अभी यहाँ से अंदर को चलना चाहिए। ओ मैं समझा, वो जो मैंने इधर वायर से करंट भेजा था उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई थी, अभी शायद वो दोबारा आ चुकी है और मैं इसे दोबारा करूँगा तो क्या होने वाला है मुझे देखना होगा। ओके मैं समझ गया, लास्ट टाइम कुछ वायर में प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो जो जगह है वो बंद हो गई थी। मुझे वहां किसी का हाथ था, और जैसे मैं यहां आया हूं वो हाथ अंदर गया, और एक चीज, ओ भाई वो जो बंदा यहां पे खड़ा हुआ था ब्लू वाला, वो हाथ उसी का था, और वो यहां पर नहीं है, यानी उसमें जान है, वही है सबको मार रहा है, पोपी नहीं कर रही, वो डोल नहीं मार रही किसी को, वही है सबको मार रहा है। धप्पा नहीं चाहिए मेरे को, अबे खुलना
गेट भी नहीं खुल रहा ढंग से। मैं इसे खोल के ओके खुला खुला खुला। भाई इधर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, वो बीच रास्ते से मेरे को उठाने वाला है। मैं भाग रहा हूँ भाई, मैं नहीं रुकने वाला। अभी बहुत ज़्यादा गलत सीन है। लेट्स गो गेट खुल रुक जा। बस आराम से मुड़ता हूँ, कोई है तो नहीं ना भाई? नहीं अभी तो फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर भाई क्या है ये सब? सिर्फ टॉय इधर बहुत सारे पड़े हुए, कैसे अजीब अजीब से टॉय है ये देखो। मतलब अजीब तो नहीं है बट ऐसे टूटे फूटे, कितने गंदे से लग रहे हैं यार ये। मतलब डर सा ही लग रहा है इनको देख के। बाकी यहाँ पर तो मुझे कुछ भी ऐसा खास देखने को नहीं मिल रहा है। एंड सामने ना एक ये टीवी लगा हुआ है और उसमें शायद से कोई येलो डिस्क लगनी है, पर यहाँ पर आसपास कोई भी येलो डिस्क नहीं है। इसके नीचे भी नहीं, इसके ऊपर भी नहीं है। मुझे यहाँ से सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जाना चाहिए। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं शायद से उस जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे ये सारे के सारे टॉयज मैन्युफैक्चर होते हैं। मतलब कि यार इस फैक्ट्री की ये मेन जगह है। फिलहाल इधर एक मशीन है जिसपे रेड ब्लू ग्रीन येलो चार अलग अलग कलर के बटन है, और यहाँ पर ये कुछ तो रखा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है इसमें। थोड़ी ब्लू कलर की लाइट निकल रही है, क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? ओह वेट, शायद से मैंने इसे उठा के रख लिया अपने पास और मैं इसे यहाँ लगा सकता। ओह नाइस, तो मुझे भी कुछ इसी तरीके के बाकी तीन को भी ढूंढ के लाना है और वो शायद से सारे के सारे इस फैक्ट्री में ही मिलने वाले हैं। बाकी वो सब छोड़ो, सामने वो देखो मेरे को ना ब्लू कलर के हैंड लगाने का दिख रहा है और ये सब कितने ज़्यादा अजीब लग रहे हैं यार। इसको उठा के फेंकूंगा मैं। निकल यहाँ से, मेरे सामने मत रहो तू भाई, बड़ा अजीब सा लग रहा है यार वो। वैसे शायद ना यहाँ पर मुझे दो हैंड की जरूरत पड़ेगी। हाँ इधर एक हैंड से काम नहीं होने वाला, और वो जो हमने वीडियो देखी थी उसमें भी दो हैंड बने थे, एक रेड एक ब्लू। तो यानी मुझे जल्द से जल्द अपना दूसरा हैंड भी ढूंढना पड़ेगा। इधर कुछ तो क्या हुआ है यार, मैं नीचे नहीं जाऊँगा, ये थोड़ी बहुत ना अजीब जगह लग रही है। मैं नीचे गया ना तो पक्का किसी ट्रैप में फंस सकता हूँ। फिलहाल यार तू फिर आ गया, तेरे को उठा। ये वैसे इतनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ तो नहीं है बट ऐसे एक हॉरर गेम में इस टाइप के बॉडी पार्ट्स बहुत अजीब लग रहे हैं यार कसम से, भले ही वो एक प्लास्टिक के टॉय क्या ना हो। वैसे भी मुझे कुछ भी खास नहीं दिखा। इधर एक गेट है, क्या मैं ये खोल सकता हूँ? वो नाइस, मैं इस बड़े से गेट को इस हैंड की मदद से खोल सकता हूँ, मैंने खोल दिया है। और मैं कोई खास जगह पे नहीं आया, मैं घूम के उसी जगह पे वापस आ चुका हूँ। वैसे अभी मुझे कुछ दिखा, मुझे सामने कुछ दिखा है, रुक जाओ। ये रास्ता तो बंद है, वेट मैं यहाँ से नहीं जा सकता। हाँ उधर से ये रहा, लेट्स गो, ये रेड कलर वाला है, इसको भी उठा के अपने पास रख लेते हैं। बाकी दो बैटरीज भी यहीं कहीं आसपास है, या फिर मुझे उसे ढूंढने के लिए कहीं और जाना होगा, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल एक बारी मैं पीछे चल के देख लेता हूँ, इधर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ओ ये तो रहा, एक सामने येलो कलर का भी मिल चुका है। अब बस ब्लू येलो रेड हो गया, अब बस मुझे ग्रीन वाला ढूंढना है, यही कहीं होना चाहिए। वैसे गाइस मैं ना इन सब डब्बों को कुछ इस तरीके से खींच के हटा भी सकता हूँ। और वेट, मुझे 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 मिल गया शायद से, वो ऊपर पड़ा हुआ है। वाव, मैं उसे कहाँ कहाँ ढूंढने में लगा हूँ और वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। लेट्स गो, इसे खींच के अपने पास रख लेते हैं। मेरे पास चारों अलग अलग बैटरीज हो चुकी हैं, मींस एक तो मैंने लगा दी थी, बाकी तीन मुझे मिल चुकी है। बट अभी मैं ऊपर कहाँ से, ओ ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं करना, ये वाला रास्ता हमने खोल दिया था, तो जहाँ से उतर कर आए हैं वहीं से चढ़ के मैं वापस जाने वाला हूँ। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ये मैं भागता हुआ वापस से ऊपर आ चुका हूँ और फटाफट से इसके अंदर एक बैटरी लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी, एंड ये लगा दी फोर्थ बैटरी। और सामने से वो जो सामान उठाने वाली एक मशीन होती है ना, बचपन में जो हम एक टॉय वाला गेम खेलते थे ऐसे, अभी भी खेलते हैं कुछ कुछ लोग, बट हाँ मज़ा आता है काफ़ी। इसमें ऐसे लक ट्राई करना होता है, निशाना लगा के गिफ्ट उठाना होता था एक एक मशीन में से। तो इस मशीन ने एक चीज़ ला के नीचे फेंकी और वो अपना राइट हैंड है रेड वाला। अभी अपने पास दो हैंड हो चुके हैं, ये वाला और शायद से मैं सामने का रास्ता खोल सकता हूँ। भाई यही चीज़ का तो इंतज़ार था, जल्दी से ब्लू हैंड लगाया यहाँ पे, रेड हैंड लगाया यहाँ पे, और अभी दोनों में लोडिंग स्टार्ट हो गई है और ये वाला शटर खुल चुका है। इन दोनों हैंड को वापस खींच लेते हैं। मुझे अंदर जाने में थोड़ा बहुत डर लग रहा है, पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है।